हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। आप सब कैसे हैं? हाँ जी, ये वाला आफ्टरनून का वीडियो है। लाइट चला गया था, मेरा क्रिम्पिंग फुश हो गया, ब्लॉग फ्लॉप हो गया मेरा। जो थोड़ा सा क्रिम्पिंग वाला और साड़ी वाला ब्लॉग बनाने वाली थी, वो वाला नहीं हो पाया कल, इसलिए सॉरी। तो ये देखिए, अभी मैं आ गई हूँ, अभी 4:30-5 करीब बज रहा है, तो अभी मैं आ गई हूँ आपके पास क्रिम्पिंग दिखाने के लिए। तो मेरा जो हेयर है, ये वाला देखिए, पूरा ड्राई हो चुका है ना, ये पूरा ड्राई हो चुका है, पूरा बिल्कुल गीला नहीं है। उतने टाइम से बाल क्या होगा, ड्राई तो हो ही जाएगा ना। तो देखिए, तो मुझे अभी थोड़ा सा क्रिम्पिंग अगर करना है तो मैं क्या करूँगी इसके साथ, आपको दिखाऊंगी, है ना। थोड़ा सा हेयर को गीला करना पड़ेगा। हाँ जी, मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, स्प्रे व्रे करना पड़ेगा, बाल को थोड़ा सा गीला करना पड़ेगा, उसके बाद मैं क्रिम्पिंग करूंगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्रिम्पिंग कैसे होगा, क्योंकि लाइट चला गया था, लाइट भी अच्छे से नहीं था, बाहर बारिश भी हो रहा था, तो थोड़ा दिखता नहीं है ना, इसलिए मैं साड़ी भी नहीं दिखाई उस ब्लॉग में, आज आपको दिखाऊंगी। तो मैं तो आपको क्रिम्पिंग मशीन दिखा दी थी, एक मिनट, पर उसमें फिर जो दिखाई थी, अभी और एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए, क्रिम्पिंग मशीन ऐसे होता है, ठीक है। आप जो हेयर स्ट्रेटनिंग करते हो ना, जैसा मशीन है ये सेम ही है, और इसका यहाँ पे एक लॉक रहता है, यहाँ पे अनलॉक रहता है, अनलॉक का प्रेस करोगे तो ये ऐसे खुल जाता है ना, और इसको बंद करके लॉक कर दोगे तो ये ऐसे लॉक हो जाता है। तो अभी अनलॉक करके देखिए, मैं दिखा रही हूँ, अनलॉक हो गया, और इसके अंदर देखिए, यहाँ पे आपको ऑन और ऑफ दिखेगा, है ना, ऑन और ऑफ दिख रहा है ना ये वाला। हाँ जी, और देखिए इसके बीच में ये एक मेटल है, और ये ऐसे दिया है जैसे मैं दिखाई थी लास्ट टाइम, पूरा सेम ऐसे ही है। और इसमें हेयर को ऐसे डाल के इसको थोड़ा सा इधर से प्रेस करना पड़ता है, तभी जाके ये क्रीम अच्छे से होता है। अभी नहीं होगा, इसको गर्म करने से होगा। ये एक आयरन टाइप का है, जैसे कपड़ा थोड़ा सा हो रहा था ना इधर उधर, उसको हम आयरन कर देने से पूरा फ्लैट हो जाता है, जैसे आप स्ट्रेटनर में ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, स्ट्रेट बन जाता है। इसमें बाल थोड़ा 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 क्रिम्प हो जाता है, पूरा इसी शेप में होगा, ठीक है। और ये होने के बाद क्या होता है वो मैं दिखाऊंगी। आप पहले मेरे हेयर का वॉल्यूम देख लीजिए, देखिए ये वाला मेरा हेयर है, और इसका जब हम चोटी में बनाती हूँ तो इसका चोटी ऐसे आता है, ठीक है। इसका चोटी रबर बैंड लगा के दिखाती हूँ, देखिए इसको जब मैं चोटी बनाती हूँ नॉर्मली, तो चोटी ऐसे बनता है, तो ठीक है। आपको दिखा मेरा चोटी कितना गंदा दिख रहा है, गंदा दिख रहा है। तो मैं इसको अभी क्रीम करके दिखाऊंगी, तो क्या प्रोसीजर है आगे चल के मैं दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ देखते हैं क्रिम्पिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हेयर को थोड़ा सा गीला किया जा रहा है स्प्रे से, और फिर कंघी कर ली और बालों को सेपरेट कर ली, और देखिए अभी क्रिम्पिंग कर रहे हैं। क्रिम्पिंग मतलब बाल को छोटे 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 पार्ट्स लेके वैसे क्रिम्पिंग मशीन से थोड़ा सा दबा देना। मैं अच्छे से दिखाऊंगी आपको, ये स्वाति मेरा कर रही है, देखिए पीछे साइड में, और हेयर थोड़ा सा वेविंग दिख रहा है, और जितना हो रहा है उसको मैं साइड में लेके ऐसे क्लचर से एक साइड कर दे रही हूँ, और बाकी स्वाति एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके कर रही है। देखिए अभी धुआं उठ रहा है पूरा गर्म, देखिए जैसे ये वाला पार्ट्स थोड़ा सा ली अभी, और उसको थोड़ा थोड़ा करके देखिए नीचे तक ऐसे करने से थोड़ा सा वेविंग आ जाता है, और लास्ट में मैं ये वाला पार्ट आपको करके दिखाऊंगी। देखिए ऊपर से ली, साइड में दबा दी, देखिए कैसे थोड़ा थोड़ा क्रिम्पिंग हो जा रहा है, इससे क्या होता है हेयर थोड़ा फ्लफी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा क्रिम्पिंग करीब हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा नहीं हुआ जैसे लग रहा है ना, हाँ थोड़ा कर लेते हैं यहाँ से, है ना। बाप रे इतना गर्म, हाय हाय मत पूछो इतना गर्म लग रहा है। हाँ जी, ये हो गया मेरा क्रिम्पिंग कंप्लीट, है ना। तो देखिए अभी थोड़ा सा, और ये देखिए अभी चोटी बनाई इस मतलब क्रिम्पिंग के बाद, कितना अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम बढ़ गया थोड़ा। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा क्रिम्पिंग कंप्लीट हो चुका है, हेयर का वॉल्यूम जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, जैसे मैं दिखाई आपको चोटी करके वो भी अच्छा दिख रहा था, एक मिनट। हाँ जी, तो इससे क्या होता है बाल थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है, हर
स्ट्रेटनिंग में जैसा दिखता है ना पूरा स्ट्रेट, इसमें थोड़ा सा वेबिंग आ जाता है ना। तो मेरा ये वाला आप इससे मतलब थोड़ा सा क्रिम्पिंग करने से सबसे, एक मिनट ऑफ नहीं क्यों, हाँ क्रिम्पिंग करने से क्या होता है, अब कोई भी हेयर स्टाइल करो कुछ भी करो बहुत इजीली होता है। जैसे मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐसे हेयर लेती हूँ ना, है ना, तो जब हम पॉप करते हैं ऐसे, ये पॉप करने से ना बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। देखिए कुछ भी ऐसे सेट कर सकते हो आप, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और जोड़ा बोड़ा जब बनाते हैं ना वो भी बहुत ही अच्छे से इसमें सेट हो जाता है। अभी फिर से थोड़ा सा आपको दिखा दे रही हूँ मैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब नॉर्मली जितना बाल रहता है उसे देखिए ऊपर भी आप थोड़ा सा हाई बन करोगे तो भी बहुत अच्छा लगता है। उसका चोटी बनाने से, सिंपल चोटी बनाने से भी स्मार्ट लगता है। तो फ्रेंड्स मेरा क्रिम्पिंग हो चुका है कम्प्लीट। आपको देखिए मेरा ये चोटी कैसा लग रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा लगता है और अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा मोटा मोटा लगता है चोटी, अच्छा लगता है ना जब हेयर का थिकनेस थोड़ा बढ़ जाता है तो सबको एक अच्छा लगता है। तो इन्हें दो, मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो साड़ी। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं ओपनिंग वीडियो, जिस दिन साड़ी आया था मिस्टर पुरोहित ने उसको ओपन किया था, और चलिए देखते हैं ओपनिंग वीडियो और फिर दिखाऊंगी आपको साड़ी लाइव में। तो चलिए फ्रेंड्स अभी ये देखिए ये साड़ी आके पहुंच गया है, पोस्टल से आया है और मिस्टर पुरोहित इसे कट कर रहे हैं, मतलब वो ओपन कर रहे हैं साड़ी को। तो कितना अच्छे से पैकेजिंग रहता है, पहले तो ये पॉलीथीन रहता है उसके बाद पेपर में ऐसे रैप होके रहता है, उसको भी खोलना पड़ता है देखिए। और ये साड़ी निकल गया, साड़ी जैसे आपको दिख रहा है उसका कलर, उसका बॉर्डर, उसको थोड़ा अच्छे से खोल के हम लोग देख रहे हैं क्योंकि इसका मैं शूट क्यों कर रही थी, ओपनिंग वीडियो बनाने के लिए शूट कर रही थी। और ये साड़ी मैं मंगाई हूँ लीजा पंडा जो बंसिल कलेक्शन मेरी भाभी है तो उसके यहाँ से मंगाई हूँ, यहाँ पर मोबाइल नंबर भी है, आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा साड़ी का ओपनिंग वीडियो, तो चलिए साड़ी को अभी मैं आपको पूरा खोल के दिखाती हूँ। ये उसका आंचल जैसे दिखा आपको, ये आंचल से ही मैं वैसे ही फोल्ड करके रख दी थी, देखिए ये इसका आंचल है, आंचल पहले दिखा रही हूँ क्योंकि आंचल ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये है साड़ी, उल्टा पकड़ी हूँ, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये है साड़ी देखिए ऐसे छोटे छोटे जैसे दुल्हन का पालकी रहता है ना वो वाला बना हुआ है, यहाँ पे ट्राइबल आर्ट बना हुआ है और कुछ बॉर्डर ज़्यादा कुछ नहीं है, प्लेन है ठीक है। और ब्लाउज़ उसका जो है, हाँ प्लेन ब्लाउज़ है और बस छोटा सा छोटे छोटे पालकी ऐसे हाथ में बना हुआ है वाइट कलर में, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है उसका आंचल, सबसे डिफरेंट है, ऐसा आंचल मैं नहीं देखी थी कोई मतलब पाटम में, तो ये आंचल मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए अच्छा लग रहा है ना। और साड़ी फुल बॉडी में वैसे ही है, ऐसे ऊपर बॉर्डर और सेम नीचे बॉर्डर, तो साड़ी फुल ऐसे ही है। अब जब मैं साड़ी पहनूंगी ये ऐसे आएगा, देखिए ये देखिए, और ये आ जाएगा उसका आंचल। तो देखिए ये है मेरा नया पाटो, तो ये पाटो साड़ी आपको कैसा लगा जरूर बताइए, उड़ीसा का फेमस पाटो संबलपुरी पाटो। एक्चुअली क्या होता है सब स्टेट का सब जगह का अलग अलग पहचान होता है, एक स्पेशल साड़ी रहता है, तो ये है उड़ीसा का शान संबलपुरी पाटो, संबलपुरी कॉटन, ये ड्रेस संबलपुरी कॉटन का है और ये है संबलपुरी पाटो सिल्क साड़ी जो। तो ये कलर मेरे पास नहीं था इसलिए मैं मंगाई, बाकी कलर्स तो मेरे पास है, आपको बहुत बार दिखा चुकी हूँ मेरा पाटो का कलेक्शन, और एक बार कभी होगा तो भी दिखा दूंगी और एक बार, ठीक है, संबलपुरी पाटा कलेक्शन और संबलपुरी साड़ी का कलेक्शन भी दिखा दूंगी कभी। तो फ्रेंड्स ये वाला पाटो आपको कैसा लगा, और ये साड़ी का जैसे मैं बताई लास्ट तक सेम है, मतलब ग्रीन और ब्लैक में वैसे ही सेम है और ज़्यादा ताम झाम कुछ नहीं है, सिंपल है। तो मुझे अच्छा लगा ये साड़ी, आपको कैसा लगा मेरा ये वाला साड़ी ज़रूर बताइएगा। तो साड़ी मैं मंगाई हूँ लीजा से, लीजा का जो बंसिल कलेक्शन फेसबुक में आता है आप वहाँ से जाके संबलपुरी का ले सकते हो बहुत अच्छे रेट में।
है ना। और ये साड़ी का प्राइस लिया 12,500, ठीक है, ये वाला साड़ी का प्राइस लिया 12,500, मुझे तो ठीक लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो मैं स्क्रीन पे दे दूंगी उसका नंबर, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो या फेसबुक में सर्च कर सकते हो, वहां से भी आप देख सकते हो। वन सिल कलेक्शन, बहुत सारा साड़ी का कलेक्शन है वहां पे, आप जाके चेक कीजिए। मैं वहां से साड़ी, दुपट्टा, संबलपुरी का सब कुछ मंगाती हूँ। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, वहां से ही मैं एक संबलपुरी कॉटन दुपट्टा मंगाई थी, अगर मुझे मिलेगा तो मैं अभी ला के दिखाती हूँ। और आइए अभी मैं दिखाती हूँ आपको संबलपुरी जो कि मैं मंगाई थी लीजा से दुपट्टा। तो देखिए ये है संबलपुरी दुपट्टा मैं जो कि लीजा से मंगाई थी। ये मुझे एक संबलपुरी दुपट्टा चाहिए था, मैं यहाँ पे शॉप में ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। एक मिनट मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, जैसे आपका दुपट्टा रहता है ज़्यादा चौड़ा, ये मैं नीचे से दिखा रही हूँ। और ये है उसका साइड, और ये बॉडी में, जैसे बॉडी में फुल ऐसे पोसापोली जो बोलते हैं ना, ये वाला सॉफ्टा संबलपुरी में बोलते हैं सॉफ्टा, ये वाला संबलपुरी का मेन चीज़ जो है ये है सॉफ्टा, ये वाला जो प्रिंट है ना। तो देखिए कॉटन में है ये सिल्क का नहीं है। ये देखिए मैं डाल के दिखाती हूँ, ये ड्रेस में भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये, तो ये है संबलपुरी दुपट्टा जो कि मैं मंगाई थी लीजा से, बहुत अच्छा। इसका प्राइस 1750 विद शिपिंग लिया था, संबलपुरी का थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो ये देखिए ये दुपट्टा बहुत अच्छा लगा, चौड़ा ज़्यादा नहीं है फिर भी देखिए, मैं यहाँ से ले रही हूँ तो मेरा हैंड यहाँ तक आ जा रहा है, तो आप गैस कर सकते हो कितना चौड़ा होगा, है ना। तो ये है दुपट्टा, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप ऐसे साइड भी डाल सकते हो, आप ऐसे डबल साइड भी डाल सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स मेरा ये दो कलेक्शन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो आज का क्रिम्पिंग साड़ी कलेक्शन, सॉरी साड़ी और मेरा ये दुपट्टा कैसा लगा जरूर बताइए। तो आज का ब्लॉग बस इतना, आपको अगर मंगाना है तो मैं नंबर दे दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये था मेरे फ्लॉप जो ब्लॉग लास्ट का, ये वाला थोड़ा हिट वाला, मतलब थोड़ा सा अच्छे से कंप्लीट हो गया, इसमें भी लाइट चला गया था लेकिन कंप्लीट कर ली मैं, है ना। तो बस आज का ब्लॉग इतना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।